हल्के हल्के से मिट्टी को साइड से तोड़ करके पापा ने निकाला है। फिर इसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं अच्छे से, जिससे कि ये सही से जल जाए। तो ये प्लांट में फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही थी, तो इसको लगाते के साथ ही इसने और फ्लावरिंग्स करनी स्टार्ट कर दी है। फंगीसाइड भी डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फंगीसाइड से क्या होता है, इस टाइम पर जड़ें अगर थोड़ी सी भी फंगस वाली रहती हैं या फिर फंगस होता है तो फिर वो स्प्रेड होने लगता है मिट्टी के अंदर, और मिट्टी के अंदर भी फंगस बनने लगता है। मेरे कई साल पुराने प्लांट्स ऐसे लगे हुए हैं जिसके अंदर मैंने निकालने के बाद फंगस देखी है। तो आप ये याद रखिएगा, ये जो रिंग लगा हुआ है ये रिंग डिस्टर्ब ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने नर्सरी वाले भैया से भी पूछा था कि क्या हम इस रिंग को निकाल सकते हैं, तो उन्होंने साफ़ बोला था कि इस रिंग को नहीं निकालना है, क्योंकि अगर आप इस रिंग को निकाल करके अपने प्लांट को इस टाइम रिपोर्ट करेंगे तो प्लांट डैमेज हो जाएगा। आप कम से कम इसे 6 या 7 मंथ तक ऐसे ही लगे रहने दीजिए, या फिर 1 ईयर तक, उसके बाद अपने प्लांट को रिंग निकाल करके रिपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि रिपोर्ट करने के लिए भी हमें प्लांट को थोड़ा टाइम देना होता है, जिससे कि वो उस सॉइल में सेट हो जाए जिस सॉइल में हमने उसे फर्स्ट टाइम लगाया है। तो इसको लगाने के बाद अच्छे से वाटरिंग करेंगे, वाटर ड्रेनेज होल से रिलीज़ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो